सब्सक्राइब कीजिए बाली टेक को और बेल आइकन को ऑलवेज सेलेक्ट कीजिए, ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि गूगल ड्राइव में फ़ोटो सेव कैसे करते हैं, यानी गूगल ड्राइव में फ़ोटो या सॉन्ग या वीडियो या डॉक्यूमेंट जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वह गूगल ड्राइव में कैसे सेव करते हैं, डाटा को अपना सेव कर सकते हैं। यानी आप लोग बहुत फ़ायदा है इससे, गूगल ड्राइव में फ़ोटो सेव करने के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या किसी कारणवश आपका मोबाइल भुला जाता है, तो आपका सब जो फ़ोन में के फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट की तरह इम्पोर्टेंट रहता वह डिलीट हो जाता है। तो इससे आप लोग को बहुत दिक्कत आती होती होगी, इसलिए आप गूगल ड्राइव में सेव कर लेते होंगे तो बहुत अच्छा रहता है कि आप कभी भी रिकवर कर सकते हैं। चलते हम अब गूगल ड्राइव को ओपन करते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन फ़ोन में नहीं होगा गूगल ड्राइव, तो आप प्ले स्टोर में से डाउनलोडिंग कर सकते हैं आसानी से। अगर तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ड्राइव पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग का ऐसा फेस खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप फोटो गूगल ड्राइव को सेव करेंगे तो उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड आप लोग को याद करना है, काहे ताकि दूसरे के मोबाइल में या जो भी मोबाइल भुला गया और जो नया मोबाइल लीजिएगा या दूसरे के मोबाइल में वहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप फ़ोटो को रिकवर कर सकते हैं, डाटा को रिकवर कर सकते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप याद कर लीजिएगा ईमेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है, और जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन किए उस ईमेल आईडी का याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा आप लोग का ईमेल आईडी होता है कई। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग का ऐसा फेस खोल करने के बाद आप लोग के इतना नीचे की ओर चार हुआ है तो प्लस का साइन दिख रहा हो तो प्लस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर इस तरह फेस खोल के आ गया, फोल्डर अपलोड स्कैन ये सब आ गया, तो उस पर सबसे आगे फोल्डर पर क्लिक करने। क्लिक करने के बाद आप लोग को नाम दे दीजिएगा, फ़ोटो जो भी है आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रवि राज लिख दिया। अब क्या उसे सेव करें, आप सेव कर लीजिए, न्यू फोटो बना लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर दिए। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का एक फोल्डर बन गया। ठीक है, तो उसमें अब फोटो आप डालिएगा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, जो भी फोल्डर बना है उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को प्लस पर साइन करना। प्लस पर साइन करने के बाद आप लोग को अपलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को ऐसा फेस खोल के आएगा, क्या आप डाउनलोडिंग करना चाहते हैं, फ़ोटो हो गया या व्हाट्सएप का कुछ भी वीडियो हो गया जिसको आप गूगल ड्राइव में सेव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दिया, क्लिक करने के बाद आप लोग को जो फ़ोटो को डाउनलोडिंग करना उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं क्लिक यहाँ पर कर दे, तो यहाँ पर देखिए क्या बना, वेटिंग फॉर वाईफाई। ठीक है, वाईफाई से अगर आप लोग को डाउनलोडिंग करना तो वाईफाई से बता रहा, और ना तो डाटा से करना है तो आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर आप लोग का डाटा से होने लगेगा, समझ गया। तो यहाँ पर देखिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो डाउनलोडिंग यहाँ पर हो गया। देखिए आप डाउनलोडिंग यहाँ पर हो गया, जो भी आप डॉक्यूमेंट पर किए हैं। देखिए यहाँ पर फोल्डर बन गया आपका, बैक आ जाइए, यहाँ पर फोल्डर पर हो गया, तो उस पर फिर क्लिक कीजिए प्लस। अब हम तीन चार फोटो को डाउनलोडिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक दो सेलेक्ट कर दीजिए, तीन चार को जितना करना उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सब करना तो और पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक, पूरा करना है तो थ्री डॉट पर क्लिक करके सेलेक्ट और कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो मैं तीन को डाउनलोडिंग करके आप लोग को बता रहा, तो उस पर सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग का देखिए तीनों आप लोग का वाईफाई से हो रहा, तो उस पर तीनों पर क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप लोग को अथी से डाउनलोडिंग हो जाएगा, समझ। तो ये मैं अलग फाइल अथी करा, तो अगर फाइल पर करना तो फाइल पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ आपका फाइल है, समझिए। तो फ़ोटो डाउनलोडिंग कर सकते, वीडियो भी डाउनलोडिंग कर सकते, समझिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा है कि डाटा आप रिकवर कर सकते हैं किसी दूसरे फोन, यह बहुत फ़ायदा गूगल ड्राइव से। क्या फ़ायदा हम आप लोग को बता रहे हैं, अगर आप लोग को
कि ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रहेगा तो किसी के फ़ोन में आप रिकवर कर सकते हैं फोटो डाटा यह सब कुछ कर समझिए। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मेरा फ़ोटो डाउनलोडिंग हो चुका है एक और बच्चा, क्योंकि यहाँ पर आपका फ़ोन में के फ़ोटो डिलीट हो गया भी तो कोई घबराने की बात नहीं। आप गूगल में ड्राइव में जाकर आप फिर से फ़ोन में गैलरी में सेव कर सकते हैं यहाँ से भी, समझ गए ना। तो बहुत फ़ायदा है इससे, इसलिए आप गूगल ड्राइव में फ़ोटो सेव कर सकते हैं आसानी से। आप जान चुके हैं कैसे किया जाता। चलिए आप लोग को अगर समझ में आ गया है और वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को बजाना ना भूलिए। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।